उन्होंने सिर्फ जिन्ना का नाम नहीं लिया बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का श्रेय जिन्ना को दिया। और जब आप सरदार पटेल जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए अथक परिश्रम किया, जब आप सरदार पटेल जो भारत की अखंडता के शिल्पकार हैं उनके साथ आप तुलना करेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना को उस पंक्ति में बैठाएंगे जिसने भारत को खंड खंड किया, तो स्वाभाविक तौर पर उस पर बात होगी। और एक बार जिन्ना पर बात करने के बाद उन्होंने वो अखिलेश सिंह यादव चुप नहीं हुए, दूसरी बार भी उन्होंने जिन्ना का नाम लिया। तो अगर किसी ने जिन्नावाद को अपना चुनावी शस्त्र समझा है कि हम इसके कारण मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण कर लेंगे, तो ऐसे ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति को पूरे देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने, उसके चेहरे को बेनकाब करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। हम उस दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, संवैधानिक दायित्व निभा रहे हैं। या तो अखिलेश सिंह यादव कह दें कि हम जो है जिन्ना पर जो है जी क्या प्रश्न है आपका? नहीं नहीं, मैं कह रही थी, मैं अनुराग जी को कह रही थी कि आप तो अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहे हैं। प्रश्न है आपका, कुछ आपने पूछ रही थी। आडवाणी जी ने जिन्ना की बड़ाई की थी, उनको कितना भारी पड़ा ये हम लोग समझ रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक तौर पर अगर इस देश को खंड खंड करने वाले व्यक्ति का किसी के मन में अत्यंत आदर होगा तो स्वाभाविक तौर पर उसके प्रति जो है लोगों को जागरूक करना हमारा दायित्व है। ठीक है, क्यों भदौरिया साहब, वो तो अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहे हैं भदौरिया जी। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के लिए बोलने को कुछ नहीं है। ये गन्ना की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। और कमाल की बात है, जिन्ना इनके आदर्श हैं। ये 1940-41 में ये वही लोग हैं जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था, सरकार बनाई थी इन्होंने, जिन्ना जी को इन्होंने अपना, इन्होंने जिन्ना को अपनाया था। और यही पार्टी उस जब आजादी के बाद पहली बार जिन्ना की मजादी कोई किया था। जिन्ना जी कह रहे हैं, नहीं नहीं जी नहीं, मैं चूंकि बात कर रहा था उसमें, अब दिक्कत यह है कि बोलते बोलते इतने महापुरुषों का नाम लेते हैं तो किसी के साथ जी लग जाना, तो हमने तो बाद में उसको ठीक भी कर लिया, जिन्ना बोला तो आप, हम चूंकि वहाँ पे और अपने महापुरुषों का नाम ले रहे थे, तो क्या जिन्ना के लिए जी लगाना गुनाह हो गया भदौरिया साहब? बैकफुट पर जा रहे हैं, ये असल खेल है ना सर, बैकफुट पर क्यों जाना? अगर जिन्ना जी बोल दिया तो बैकफुट पर क्यों जाना? बात नहीं है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अब बात में से अब तो लगता है अखिलेश जी भी बैकफुट पर हैं सर, अब वो गलती से भी जिन्ना का नाम ले रहे हैं। कोई बैकफुट पे नहीं है, मुझे बोलने तो दीजिए, मेरी बात तो कहने दीजिए। आप बीजेपी के बोल रहे थे तब आपने बोलने दिया, मैं बोल रहा हूँ तो उसमें नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए भदौरिया जी, आपको कौन? मैंने कहा सरदार पटेल साहब जब यहाँ पे किसने बनाया था भाई, सरदार पटेल डिप्टी सीएम बने थे उस समय, किसने बना था? ये आरएसएस, इन्होंने जिन्ना के साथ, जिन्ना की पार्टी के साथ मिलके बने थे। और आजादी के बाद कौन गया था पाकिस्तान मजार पे? आडवाणी जी। तो ये आजादी के पहले भी जिन्ना के साथ थे, आजादी के बाद भी जिन्ना के साथ हैं। दिक्कत ये है कि इनको जनता के मुद्दों की बात नहीं करनी है, गन्ना पे बात नहीं करनी है, किसानों की बात नहीं करनी है, यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करनी है। बस सुबह से लेकर शाम तक अगर आप किसी भी बीजेपी के नेता के सामने जाओ तो पता कैसे करते हैं? जिन्ना 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 जिन्ना, उन पे जिन सवार हो गया है। जनता का जिन सवार करो ना, जो जनता परेशान है यहाँ पे, यहाँ उत्तर देश में, पूरे देश में जनता यहाँ महंगाई से पूरी तरह से कराह रही है, उसका जिन सवार करो ना। जनता का जिन सवार अपने ऊपर करो, जनता की परेशान का जिन सवार करो, यहाँ किसानों का जिन सवार करो, जिनकी मौत हुई है लगातार, जिनको यहाँ पे रौंद के मारा गया, उनके बारे में चर्चा करो ना। वो मंत्री आज भी बैठा, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है, ये समाज के अंदर में नफरत फैलाने की बात करती है। इसको नफरत की बातें बहुत अच्छी लगती है। अरे हम तो बार बार महंगाई की बात करते हैं कि यहाँ देश में महंगाई ज्यादा है, तब तो आप इसका महंगाई का जिन नहीं सवार होता। हम यहाँ पे बार बार कह रहे हैं महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो महिलाओं का अत्याचार का जिन आपके ऊपर नहीं सवार होता, लेकिन जिन्ना का जिन सवार हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको नफरत की राजनीति करनी है, आपको समाज में असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक वही आप चिल्लाएंगे। ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़ी है। वो भारतीय जनता पार्टी बात करेगी तो पाकिस्तान की, तुर्किस्तान की, अफगानिस्तान की, हिंदुस्तान की नहीं। हिंदुस्तान की बात करने का, हिंदुस्तान की जनता के बारे में बात करना उनको पाप समझ आता है। अगर हिंदुस्तान की जनता की समस्या की बात कर लेंगे तो लगेगा पाप लग गया उनको। जी भदौरिया जी रुकिए, वारिस पठान जी अब तो जिन्ना और ये सब यही दोनों लपक रहे हैं, आप लोग तो लग रहे रेस में पीछे छूट रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी, देखिए अखिलेश यादव ने ये बात क्यों कही है ये सब समझ रहे हैं। ये मुस्लिमों की मोहब्बत पर एक तरफा जो आप लोग मुहर लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसको छिटकने की कवायद है, रेस में पीछे तो नहीं छूट रहे हैं।